जी अगला सवाल। मलिक एहसान भाई, मेरा नाम है ते तजवीज मैं देना कि एक एकेडमी कायम होने दे करता यकीनन 5-7 महीने लग दें ते नफसियाती असरात बड़े ज़्यादा अलहमदुल्ला उजागर हो गए ते इतफाक इतहाद की फिजा वे। इस दौरान अगर एक सेक्रेटेरिएट बाजाबता कायम करके ते करस्पॉन्डिंग की जाए तो बाकायदा मेंबरशिप का जरा किया जाए तो बड़ी कायम है सेक्रेटेरिएट कायम है गंदारा इनको बोर्ड का दफ्तर जरा है आगा जी जफर अली शाह की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल के उत्ते कायम है और उत्थे साडा स्टाफ बमाए कंप्यूटर टेलीफोन फैक्स मुकम्मल तौर पर मौजूद है। तुसी कदी तशरीफ लाए उत्थे मेंबरशिप के बारे थोड़ा मेंबरशिप उतो आके फार्म लो आप भी लो ते तकसीम करो साढ़े 1000 मेंबर जड़े ते अमेरिका लंदन ते बरतानिया मॉन्ट्रियाल ते उसे आस्ट्रेलिया दे कार भी मौजूद जड़े साडे कोलो फार्म मंगदे ले जांदे सानू चंदे देंदे हुन ये सारे कम पे करदे असी कोई कोलो जेब अपनी जेबा चो भी साडे डॉक्टर अदनान साहब जड़े मतलब ये कहने दी गल नहीं है पैसे दी गल नहीं है लेकिन तकरीबन मैं ये समझना वा अगर मैं कह देवा कि 50,000 रुपया महीना अपनी जेब चो खर्च करन गंदारा इनको वोट देते यार इनको इनको वान जो को चले जाए तो उसे इलाज मुआलजे की अपनी दवाई भी कोलो दें बस जितों तक साड़ा वास है तो करने पे डॉक्टर साहब तुसी मौजूद नहीं हो मैंने अपनी स्पीच जेकर शहर के सरमायदारों रिक्वेस्ट की है कि उसरा लैंग्वेज दे जबान की तरवीज से सरमाकारी करो मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ तो मैं खुद भी हाजिर हाँ ऐसी गल नहीं वैसे मैं ये कह देवा कि सरमाकार की हदूद के कारण मलिक साहब भी आते हैं कायम करने उसके अंदर असी सब दरखास्त करने एक एक लख रुपया मेंबरशिप उसी कायम कर सी है जड़े लोग मतलब इन आला और जर्री ख्यालात दे हामिल हैं ताकि साढ़े को 5-10 करोड़ रुपया जमा हो जाए ताकि असी सब तो पहले अपने से इनको दा एक चैनल भी शुरू करिए और उसने तमाम अपनी सारी क्योंकि सानू इनको चैनल वास्ते 5 करोड़ रुपये की जरूरत है तो असी कोशिश टमक टोइया पर मारने 10-15 लख रुपया पैदा करके असी कॉन्फ्रेंस तक कर लीती है हूँ 5 करोड़ रुपए की असी तलाश चा इंशाल्लाह तुहाड़े जे लोग साढ़े नाल तावन करन वो 5 करोड़ रुपया ले जाके असी कैसी लो जी इनको चैनल खोलो। डॉक्टर साहब उसके 5 करोड़ की इब्तदा मलिक साहब अपनी जेब सो कर सुन इंशाल्लाह होनी ऐलान कर इंशाल्लाह चलो क्यों जी मलिक साहब ठीक है ना जी ऐलान कर दियो ऐलान कर दियो जी जी माइक देंगे जी अच्छा जी ठीक है जी अगले जी 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 माइक जी मेरा नाम तारिक है जी ते सबसे पहले तो पहली हिंदको आलमी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने ते तुहानू सबनू मुबारकबाद मेरा जी डॉक्टर जहूर अहमद अवान साहब नू ते इत्थे यूनुस कनासी साहब बैठे हैं जी एक छोटी जी मेरी ऑब्जर्वेशन हुई है कुछ दिन पहले कि ऐसे भी लोगों को कन्विंस कर दे रहे हैं अपने पिछोरी लोगों को या कि जी तुहाने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है तो डॉक्टर साहब की स्पेशली कियासी साहब के कलम पढ़ने वाले की बहुत बड़ी तादाद है जिसे कार न सिर्फ पिछोरी बल्कि हमारे पठान लोग भी तो कुछ लोगों ने विचकार इस तरह के कमेंट्स पास किए कि जिस तरह सिंध के कार माजरा का सिंधिया का एक इशू खलोता खुलवाया एक जमाने के कार तो यह बैठे बिठाए जड़ा पिछोरिया किधर अपनी इनको जबान याद आ गई कि इन लोगों ने शुरू कर दी है इसे कार कोई साजिश इन्वाल्व है कि इस किस्म के बाद लोग तासर पे दें तो मेरी रिक्वेस्ट है वे अपने इन मौजूद कलम निगारों स्पेशल तो तुहानू भी कि तुसी अपने कलम निगार एटलीस्ट इस चीज़ की वजाहत करो कि इस किस्म की कोई फीलिंग नहीं गई कि पिछोरी या पठान लड़ाने की अच्छी कोई साजिश नहीं गई बाकायदा इनको वास्ते ऐसी लोग कोशिश पे कर रहे हैं एक गल बिल्कुल नहीं गी लेकिन जड़े लोग अगर इस सवाल नु इस तरह उठाना चाहते हैं वो हमेशा सी जब पाकिस्तान बने उस वक्त भी उठा रहे तो उन्होंने उठाने दियो हाथ हजार दियो उन्होंने दूसरी गल ये होंगी अगर जमीनी तौर पर इजाजत ये साहब है कि खोते वाला तो आदमी वाला साहब है खोते नु सिर पे भी चुक लो तो कह लोग राजी नहीं होंगे तुम अपना काम करो तुम ये देखो कि खुदा थोड़े लाया नहीं गा तुम ये देखो कि खुदा वाले हो कि नहीं हो बस असी तो अपने सीधे रस्ते टुरने ना असी किसी के खिलाफ नहीं गया किसी जुबान के खिलाफ नहीं गया सिर्फ असं ये चाहते हैं कि इस तरह और जबाना तरक्की कर दी साड़ी जबान भी तरक्की करे और जबानों अगर सरकारी सरप्रस्ती मिलती है साड़ी जबान में भी सरकारी सरप्रस्ती मिले और साढ़े अपने तबके ऐसे लोग हैं कि इंशाल्लाह हूँ साने फैसला किया है कि असी बगैर सरकारी इमदाद दे इनको अकेडमी बना सीए इंशाल्लाह सानू आजी आजी साहब ने साढ़ा जड़े पिशावर के नाजम उन्होंने लैंड का वादा किया है
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਲੈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਤੇ ਕਰ ਸੀ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਤਫਾਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ, 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਮੁਖੈਰ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਿਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਬਾਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਕਰ ਸਕਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।